भाई कैरी बनाती को तेरे मुंह पे गाली दे दी, तू बोला क्यों नहीं? मेरा मुंह तो बोला, मैं क्यों बोलू? कैरी बनाती मेरी बुआ का लौंडा लगा है, कैरी बनाती जाने और उसके फॉलो। ओनल राइट गाइस, तो क्या राजवीर सिसोदिया कैरी में नाटी पर भड़क उठे हैं? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने राजवीर और आजाद खान के लफड़े का वीडियो देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब आजाद और राजवीर दोनों आपस में मिले थे तो आजाद ने कैरी मनाटी की मां को गाली दी थी। तो उस वीडियो को देखने के बाद पब्लिक राजवीर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पब्लिक का कहना है कि राजवीर सोशल मीडिया पर तो खूब उछलता है, लेकिन जब आजाद खान ने कैरी मनाटी की मां को गाली दिया तो राजवीर ने डिफेंस में कुछ नहीं बोला, तो उसी के रिप्लाई में राजवीर ने कुछ ये कहा। और बाकी जो ये समाज के ठेकेदार भोंका भागी करते हैं, तुम मुझे वीडियोस भेज रहे हो इनकी, भाई मत भेजो, एक आध दिन में डिलीट भी करेंगे, माफी भी मांगेंगे, ठीक है? देखते रहो। और अब ये मेरी लास्ट कॉन्ट्रोवर्सिटी इस दुनिया की, क्योंकि फिर पता क्या होता है, एक तो झगड़े होते हैं, खामखा दुश्मनी पालो दूसरों के लिए, बोल के दूसरों के लिए स्टैंड लिया था तभी दुश्मनी हुई ना, फिर सबके मुंह लगो, सबसे गालियां भी सुनो, फिर कमेंटों में भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ो, और एंड में मिलता क्या है कि भाई फेक कॉन्ट्रोवर्सी की है फॉलोवर्स के लिए। भाई मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा आज के बाद, ना ही मैं किसी से कॉन्ट्रोवर्सी करूंगा, और मेरा लेवा है मूत किसी के लिए आज के बाद स्टैंड। आधे लोग यूं कह रहे हैं कि भाई कैरी बनाती को तेरे मुंह पे गाली दे दी, तू बोला क्यों नहीं? मेरा मुंह तो बोला, मैं क्यों बोलू? कैरी बनाती मेरी बुआ का लौंडा लगे है, कैरी बनाती जाने और उसके फॉलोवर जाने, मैं क्यों बोलूंगा भाई? मैं वहां उससे अपनी बात करने गया, ठेकेदार बनकर थोड़ी गया हूँ कैरी बनाती का, देता रहा जिस मर्जी गाली, मुझे क्या मतलब? मेरे लिए बोला था कोई यूट्यूबर मेरे लिए बोला था,